अभी तो फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ, बस ये खाता हूँ। अभी तो और भी आपको कुछ खिलाना बाकी है। और हाँ, एक चीज पूछ रहा था यार, पिछली बार आपने कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? फटाफट वो वीडियो देख लो आई बटन में जाके, और भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो फटाफट से। अब काहे के लिए बोलोगे, वो आपको वीडियो देख के पता लगेगा, पर कुछ खास है उस वीडियो में, फटाफट देखो भाई। यूट्यूबर के इस चैनल पे पहली बार बम्पर ऑफर, जो कि सर की तरफ से आप सबको मिलेगा, और सबको नहीं मिलेगा, केवल जो सब्सक्राइबर और वीडियो को देखता है डेली उसी को मिलेगा। वो सब्सक्राइबर अपने मोबाइल से यूट्यूब की रेस की वीडियो मेरी ब्लॉग की मेरे को दिखाएगा, उसको 300 रुपये की परचेज में 10% तो फटाफट से वीडियो देख लियो, तो यहाँ पे आ जाओ फटाफट से। तो वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ खा ही रहे होगे कुछ ना कुछ, नहीं खा रहे हो तो खा लो यार फटाफट, भूख बहुत लग रही है। अब भूख से मुझे याद आया कुछ खाने का, तो लेके आया हूँ आपको आज सेंट जॉन डिग्री कॉलेज के ठीक सामने। ऊपर देख लो यार, मैं अब बताऊँगा नहीं, अब तुम देख लो खुद, देख लिया। आज मैं लेके आया हूँ राजा बेकर्स, राजा बेकर बोले तो प्रिंस बेकर। अब आओ अंदर देखते हैं क्या कुछ मिलेगा। और शॉप का अगर आप लोकेशन देखो तो लोकेशन एकदम परफेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे सामने ही आ जाता है डिग्री कॉलेज। तो अगर आप सुबह के टाइम में आओगे तो आपको काफ़ी रश देखने को मिलेगा, मतलब आपको भीड़ काफ़ी देखने को मिल जाएगी। मतलब ये समझ लो आपको मैं क्या बोलूँ, बता नहीं सकता हूँ यहाँ का टेस्ट। पहले भैया से बात करते हैं जो ओनर है यहाँ के। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर संदीप। संदीप जी ये बताइए मुझे, ये आपकी पहली शॉप है या और भी कोई शॉप है आगरा? इससे पहले की एक ब्रांच है सिंधी मार्केट। सिंधी मार्केट में ऑलरेडी सर की एक ब्रांच है, वो किस नाम से? सर प्रिंस बेकर। मतलब सर कोई नए नहीं है, सर आगरा के बहुत पुराने हैं हमारे, समझ गए? तो ये टेस्ट जो खिला रहे हैं आपको वो आगरा का बहुत पुराना टेस्ट है, फ्लेवर जो आपको मिल रहे हैं वो बहुत पुराने हैं। अब नए की कुछ बात कर लो यार, तो नए की बात करोगे तो डिफरेंट केक को वैरायटी मिल जाती है यहाँ पे, देख पा रहे हो? कौन कौन से केक हैं यार ये बताओ? चॉकलेट, आई लव चॉकलेट। पाइनएप्पल, और ये तो सबको पता ही है ऑलरेडी। पाइनएप्पल का क्या प्राइस है? 500 का प्राइस है। कितने किलो का है? 1 kg, मतलब 500 पर 1 kg। एगलेस क्या? एगलेस केक क्या लोगे? और 500 रुपये में एगलेस केक, 500 रुपये में केक मिल रहा है, वो भी एगलेस। तो सर से मैं जानता हूँ कि ये आखिर लास्ट क्या है इसके पीछे। सर मुझे ये बताइए, एगलेस केक जो प्राइस होती है वो तो काफ़ी हाई होती है, तो आपने 500 रुपये में कस्टमर को कैसे प्रोवाइड कराया? मतलब सर का भी वही हिसाब आ गया, मतलब होता है तो बना के रखा उन्होंने, पर ज़्यादा सेल नहीं होती है इस कारण वो प्राइस हाई रखते हैं। सर का कहना ये है कि इनका बल्क क्वान्टिटी इतनी है कि ये कस्टमर को सस्ते रेट पर प्रोवाइड करा पा रहे हैं। जैसे कि आपने होलसेल मार्केट में देखा होगा क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्ट का रेंज कब कम होता है जब होलसेल मार्केट में वो बिक रहा हो, तो ये समझ लो आप होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट खरीद रहे हो यहाँ पे केक के ऊपर। सर पहला क्वेश्चन मेरा दिमाग में ये आया, जो आपने कहा होलसेल मार्केट के हिसाब से बल्क ऑर्डर, तो कितने केक निकल जाते हैं मिनिमम? 80-200 केक पर डे। मतलब यार इतने बड्डे मना रहे हो आगरा में आप लोग, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मतलब काफ़ी सर का जो
शॉप है वो काफ़ी रेगुलर चलती है। और सर एक चीज और जानना चाह रहा था मैं कि एक शॉप ऑलरेडी थी आप, इसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं शॉप से सैन्य ऑफिस से? मतलब सर ने जो खोला है वो कस्टमर की डिमांड पे खोला ये वाला मॉडल, इसलिए क्योंकि कस्टमर जो है सर के वहाँ से कार में तो कार जो है सब्जी मार्केट में जा नहीं पाती है, जाती है तो फिर थोड़ा साफ हो जाता है, तो भीड़ के कारण तो सर ने सेंजॉन पे सेटअप खोला है। अभी सेटअप में काफ़ी कुछ है देखने को यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से, देर नहीं करता हूँ। मैं पूरे लूंगा गाइस, सर ने डलवा दिए मेरे जिस पे दिल आ चुका था, और अब कौन जिस पे दिल आ चुका था उसको देख लो, ये खुद में ही एक दिल है और इस पे मेरा दिल आया था। तो अब इधर ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या कुछ है सर का, जो स्वाद है टेस्ट है वो कैसा है। अभी बन के तैयार हुआ हो बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है, और जो जो टेस्ट आ रहा है मतलब एकदम स्मूथ बिल्कुल प्योर, मतलब और क्रीम क्रीम की बात करूँ तो अभी तक जो मैंने ट्राई करी है पेस्ट्रीज वगैरह और काफ़ी इससे अलग आ रहा है बिल्कुल। कैसे ही सर का कहना है कि बल्क में आता है ऑर्डर, तो आप जानते हो यार हर समय लाइन लगी रहती है, बनता रहता है। गाइस मीठे का तो स्वाद आपने चख लिया होगा जिसमें मेरा दिल आया था और जो खुद में एक दिल था, अब कुछ अलग खाने का दिल चाह रहा है तो आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे नीचे से देख लो पनीर टिक्का सैंडविच, पनीर टिक्का सैंडविच पहली बार सुन रहा हूँ मैं, इधर आ जाओ वेज सैंडविच। यार मेरे को सबसे अलग ये लग पनीर रोल अलग ही, मतलब कुछ सर ने बना रखा है। सर ये जो पनीर रोल है आपका इसमें किस तरह से आपने जो बेक करा है? रेड पनीर रोल है, डिप है। अच्छा ब्रेड, जैसे आपने अगर क्या कहते हैं ब्रेड से वो नहीं आते थे पहले कटलेट, हाँ कटलेट के ऊपर ही करने ये डिज़ाइन दिया है पनीर रोल, तो इसी को ट्राई करते हैं। आपका बेस्ट सेलर आइटम क्या है? बर्गर पनीर टिक्का सैंडविच, पनीर टिक्का सैंडविच जो मैंने आपको बताया था ये रहा, ये है सर का बेस्ट सेलिंग आइटम। अभी तो फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं खा रहा, बस ये खाता हूँ, अभी तो और भी आपको कुछ खिलाना बाकी है। और हाँ एक चीज़ पूछ रहा था यार, पिछली बार आपने कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? फटाफट वो वीडियो देख लो आई बटन में जाके, और भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो फटाफट से। अब खाए के लिए बोलोगे वो आपको वीडियो देख के पता लगेगा, पर कुछ खास है अब उस वीडियो में फटाफट देखो। आइटम देख लो क्या कुछ है, पहले तो आ जाता है अपना पनीर टिक्का रोल सैंडविच, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, पर कोई बात नहीं, अब स्वाद इतना आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ हो ही सकती है। अब मैं सर की तरह इतना ज़्यादा वो नहीं हुए हर चीज़ मतलब कंट्रोल कर सकूँ, सर का अलग ही बात है, मतलब सर का जो मैनेजर वाला स्टाइल है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब मैं सर से एक बात जानना चाह रहा था, बहुत ज़रूरी बात है आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी। सर सबसे पहले सवाल मैं ये करना चाहूँगा आपसे, जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं आपको सर 15-20 साल से मैं समझता हूँ मार्केट में है, सिंधी मार्केट में सर की पहली दुकान, तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि स्टार्टअप सबसे ज्यादा समय धैर्य, समय और धैर्य से काम देना पड़ता है आपको, और कस्टमर को देनी होती है स्वाद, क्योंकि अगर आपके फूड में स्वाद आ गया तो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा, दोबारा क्या दोबारा आएगा मैं बता नहीं सकता हूँ। जितने भी स्टार्टअप
जो फूड से रिलेटेड है वो ज़्यादातर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनमें स्वाद नहीं मिल पाता है कस्टमर। मीठा खा लिया मैंने, अब खा लेते हैं थोड़ा नमकीन। क्या खा लेते हैं? नमकीन। नमकीन में पहले ये ना पनीर रोल, ये अलग ही टाइप का रोल है, मतलब पनीर है इसमें। और ये है पनीर टिक्का सर का बेस्ट सेलिंग आइटम, इसे देख लेते हैं पहले। पहले क्या खाऊँ? अक्कड़ वक्कड़ वक्त नहीं खा लेते हैं फटाफट से, देर नहीं करते। पनीर रोल ये वाला मैं अलग ही स्वाद आ रहा है इसमें, ब्रेड के साथ पनीर का कॉम्बिनेशन अलग ही बता दूंगा क्या अलग इतना मिलने वाला। एक बार ही टोल ले लेते, कैसा लगा सर? मतलब बता नहीं सकता हूँ आपको, ये आइटम ने मेरा दिल छू लिया। और इसने दिमाग बिल्कुल सही। अरे सर आज तो मतलब पूरे सर को मेरे लग रहा है मेरे को सर को लेके जाना पड़ेगा यहाँ से अपनी वीडियो के लिए। और सर होंगे हमारे मेन हेड जो हमें सारे आइडिया देंगे। सर इसमें जो है इसमें एक प्याज डली हुई है और टमाटर, प्याज टमाटर सब आइटम ये समझ लो सर बना नहीं रहे पर बनवाते यही हैं। आइडिया भी दे देते हैं तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। आप फटाफट विजिट करो नियर सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज के सामने, ये पड़ेगा प्रिंस बेकर। सर प्रिंस बेकर का आइडिया कहाँ से आया था आपको ये बताओ मुझे? स्टार्टअप किया था अपनी लाइफ का तो एक ऐसा लग रहा था इंग्लिश ना होना चाहिए, आज वो प्रिंस अपने आप में एक ब्रांड बन चुका। क्या बात है, मतलब ये होता है एक विश्वास के हाँ मुझे ये करना है, नहीं तो स्टार्टअप काफ़ी खुलते हैं और बंद हो जाते हैं।